हेलो फ्रेंड्स, रेखाज किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ कंडेंस मिल्क, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। कंडेंस मिल्क का उपयोग बहुत सारी मिठाइयों में होता है, जैसे कि गाजर का हलवा हुआ, कद्दू की खीर हुई, केक हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है ये मिठाइयों की जान है। इसके बिना बहुत सारी मिठाइयाँ अधूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, तो ये 1/2 लीटर दूध है, और एक चुटकी मीठा सोडा है यानी 1 पिंच मीठा सोडा, और ये 150 ग्राम चीनी है यानी 1 कटोरी चीनी है। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने गैस पर दूध को चढ़ा दिया है। मैं जब तक एक उबाल ना आए तब तक मैं दूध को पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। दूध को एकदम तले तक चलाना है ताकि दूध नीचे जा कर के चिपके नहीं या जले नहीं, क्योंकि अगर दूध जल जाएगा तो हमारा कंडेंस मिल्क ख़राब हो जाएगा। मैं 1/4 जब तक दूध ना हो तब तक मैं इसे गाढ़ा करूँगी। फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी और इसे मैं अच्छे से पकाऊँगी जब तक दूध 1/4 ना हो जाए। ये तो मार्केट में भी मिलता है, कंडेंस मिल्क मार्केट में भी मिलता है। कभी कभी मन नहीं होता है जाने का, तो घर में ही बना लेना सही रहता है कि चलो बाज़ार किया जाए। तो फ्रेंड्स, तो देखिए हमारी ये दूध अभी आधा गाढ़ा हुआ है, अभी और गाढ़ा होना बाकी है 1/4 तक। और इसे जब से मैं दूध को चढ़ाई हूँ तब से मैं थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चला रही हूँ, जब तक ये दूध गाढ़ा ना हो जाए। फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा ये दूध गाढ़ा हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और इसमें मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ। इसे मैं 2-3 मिनट तक चलाऊँगी ज़ोर ज़ोर से। इसे 2 मिनट तक अच्छे से चलाऊँगी। फ्रेंड्स, तो हमारा कंडेंस मिल्क बन करके तैयार हो गया है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में 15-20 दिनों तक इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।